मैं जसविंदर कौर पिरामिड टीवी चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ नागपुर से पिरामिड सीनियर पिरामिड मास्टर कविता चड्ढा जी हैं। आज हम उनके जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे कि ध्यान से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो कविता चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में पिरामिड टीवी चैनल में। तो हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आप कब ध्यान में आए। मैं 2008 से ध्यान में आई हूँ। मुझे ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था कि ध्यान क्या चीज़ है, और मैं मतलब ध्यान को कुछ समझती भी नहीं थी। तो मेरे सबसे पहले पति आए ध्यान में, तो मेरे को शारीरिक तकलीफें बहुत ज़्यादा थी। तो मैं यही सोचती थी कि मेरी जो इतनी बीमारियाँ हैं, से मैं जूझ रही हूँ, मुझे कुछ इसका इलाज भी करते फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे को बोले कि अब तुम ध्यान करो, आपका आपको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा, बोली ध्यान के आंखें बंद करके बैठ जाऊंगी तो उसमें मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर मेरे को एक दिन ऐसा आया कि जैसे मैं कुछ अपने आध्यात्मिक में बैठी थी या पूजा पाठ में, तो मेरी एकदम से आंखें बंद हो गई। और आंखें बंद हुई, मुझे समझा नहीं कि ये ध्यान था, लेकिन जैसे मेरी आंखें बंद हुई तो मेरे को बहुत सारे लोग दिखे। तो मैं डर गई, मैं डर के मारे आंखें खोल दी। तो मैं सोची ये पता नहीं मेरे को क्या दिख रहा है, ध्यान ध्यान बोल रहे हैं। फिर वापस बैठ गई तो फिर वैसे ही लोग दिखे। तो मुझे कुछ समझा नहीं कि ये ध्यान क्या चीज़ है। फिर जब हम ध्यान माँ चक्र में आना शुरू किया, जब फर्स्ट टाइम आई तो जब मैंने आंखें देखा तो वही लोग थे जो मेरे को ध्यान में आ रहे थे, लेकिन मुझे ध्यान के बारे में नहीं समझ रहा था। फिर मैं जैसे जैसे आना शुरू किया तो मुझे ध्यान के बारे में काफ़ी समझा कि ऐसे करो जो अपने काफ़ी तकलीफ़ें ठीक हो जाती हैं। मेरे को बहुत चीज़ों से परिवर्तन आया, शारीरिक तकलीफ़ों से बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ें सहन कर रही थी। मेरे को यूट्रस का प्रॉब्लम था, पाइल्स का प्रॉब्लम था, और यानी काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे बॉडी में एक ख़त्म होती थी दूसरी चालू हो जाती थी। एक दिन मैं ऐसे ध्यान में बैठी कि आज अगर मैं ध्यान करूं तो मेरी पाइल्स प्रॉब्लम पूरी निकल जाए तो मैं ध्यान कंटिन्यू करूंगी। तो सच में उस दिन मैंने 1 घंटा ध्यान किया, मेरे को तकलीफ पूरी चले गई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सही में ध्यान में कुछ है। तो धीरे 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 जो मेरे शरीर की तकलीफ़ें थी वो काफ़ी फ़र्क पड़ा, मेरे को परिवर्तन बहुत आया, मानसिक परिवर्तन भी बहुत आया उसमें। जैसे लोग कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हमारा वही ध्यान है, तो आपको क्या लगता है वो और ध्यान में और उसमें क्या फ़र्क है, या एक ही है? वो पहले तो जब तक ये ध्यान नहीं समझता तो हमको वही सब कुछ लगता है। तो ऐसे लगता है कि पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बहुत मतलब अच्छा नहीं है, यानी कुछ भय सा रहता है। जब अपने को समझ आता है कि ध्यान से मतलब पूजा पाठ कुछ भी उसका मैनर नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं, तो उसमें अपना विश्वास बिठा लेते हैं कि ये भगवान है। ठीक है, हमारे जो चलता है प्रथा वो चल रही है, ठीक है, लेकिन जब अपने को समझ आता है कि सामने जो साक्षात आदमी है, जहाँ कोई भी आत्मा है, हम उसकी सेवा करेंगे या उसको मान्यता देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये पूजा पाठ में अपने को सिर्फ एक मानसिक विचारधारा ठीक होती है, थोड़ा ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। और जो ध्यान करने के बाद फर्क पड़ता है वो तो करने के बाद फिर आदमी जान जाता है। तो आप जैसे पिरामिड सोसाइटी में आई और आप पत्री जी से मिली, तो पत्री जी से मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने जब सबसे पहले पत्री जी को देखा तो एक बहुत साधारण से गुरु जब मैंने देखे ना, तो बाकी जो मैं काफ़ी यानी अपने गुरुओं से मिली हूँ, क्योंकि वो छूने से भी एतराज़ करते हैं, यानी उनके काफ़ी सारे जो मैंने नाटक देखे हैं, तो वो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था कि एक गुरु हो के भी हम अपने गुरु को पैर को नहीं छू सकते, हाथ को नहीं छू सकते। तो चलो ठीक है, ये प्रथा है तो कोई बात नहीं। जब मैंने गुरु जी पत्री जी को देखा, वो लोगों से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे जीवन का जो मुझे मैं चाह रही थी, जो मैं ढूंढ रही थी किसी को कि मेरे लिए कुछ कुछ नई चीज़ मुझे चाहिए,
तो मेरे को पत्री जी गुरु जी मिले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ध्यान में आने से पहले आपने कोई और भी ध्यान किया या किसी और भी संस्था से जुड़ी हैं आप? मेरे संस्था हमारे पहले जो गुरु जी थे गुरु गोरक्षनाथ जी की प्रथा चल रही थी, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जी की चल रही थी, ठीक है हम मान रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे कोई बोलता था तो हम चलते थे उनके पीछे, लेकिन जब पत्री जी के पीछे के आने के बाद फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता नज़र ही नहीं आया कि ये सही रास्ता है, यही अपना रास्ता पकड़ना चाहिए। और आपने अपने नागपुर में भंडारा में एक पिरामिड का भी निर्माण करवाया है? हाँ, जब हम ध्यान में आए तो पत्री जी से सबसे पहले मिले तो पत्री जी बोले कि एक पिरामिड बनाओ आप। तो सबसे पहले मेरे पति जुड़े सुरेंद्र चड्ढा, तो उन्होंने सोचा कि पिरामिड के बारे में कुछ समझता नहीं था, चलो हम एक बना लेंगे। गुरुजी आए, उन्होंने इनोग्रेशन वगैरह किया, तो जब बनने के बाद समझा कि पिरामिड की क्या शक्ति है और पिरामिड में बैठ के अपने को ध्यान करने से कितना फ़ायदा है, यानी बहुत ही अच्छा लगता है पिरामिड देखकर। तो वहाँ पर जैसे लोग ध्यान करने आते हैं, आप उनको ध्यान सिखाते हैं, तो किसी ने आपको आके बताया कि पिरामिड में ध्यान करने से उनको कुछ लाभ हुआ है? हाँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे को आके बताया कि हम आपके पिरामिड में जाते हैं तो एक पानी की बॉटल लेके जाते हैं जो कि हम ध्यान करने से पहले अपने पास रख लेते हैं। जब हम ध्यान करके निकलते हैं तो वो पानी पीते हैं तो हमारी बहुत सारी तकलीफें दर्दें यानी बीमारियां निकल गई हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जो मतलब किसी जानकारी को नहीं जानते, जानते हुए भी उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान पिरामिड बहुत अच्छा है। आपका जैसे जॉइंट फैमिली है, आपका पूरा परिवार इकट्ठा रहता है काफ़ी सालों से, बहुत बड़ा परिवार है आपका, तो ध्यान से क्या आपके पारिवारिक संबंधों में भी कुछ बदलाव आया? पहले तो हमारा अच्छा ही संबंध है, हमारा परिवार में बहुत अच्छा आपस में भाइयों में प्रेम है, क्योंकि मेरे सास ससुर जी नहीं हैं। तो ध्यान में आने के बाद एक ऐसा प्रेम बन गया कि मतलब हम मतलब एक बड़ा भाई है जो छोटे भाइयों को अपने बच्चों की तरह पाल रहा है, बच्चों की तरह, इतना ज़्यादा प्रेम हो गया कि और बहुत अच्छा लगा। और आपके घर में जैसे आपके बेटे हैं और बेटियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो आप दादी भी हैं, नानी भी हैं, तो आपको कैसे लगता है अपने बच्चों के साथ में ध्यान, अब आप जैसे उनको साथ में बिठा के ध्यान करती हैं छोटे बच्चों के साथ में भी, तो आपका क्या अनुभव है अपने पोता के साथ में? ना मेरे को ऐसे लगता है कि हर एक नारी को सबसे पहले ध्यान सीखना चाहिए, क्योंकि घर की औरत है जो कि सबको ध्यान में ले जा सकती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि ध्यान क्या है ऐसा, जब एक माँ करती है, माँ को देख के सब बच्चे धीरे धीरे वो एक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमारी माँ एक अच्छा काम कर रही है, इसमें कुछ ज़रूर अच्छाई है, तो हमें ध्यान करना चाहिए। फिर वो छोटे बच्चों को भी असर बहुत जल्दी आता है। जब मेरी पोती हुई और बेटी का बेटा हुआ, मैं दोनों को गोद में लेके 6-6 महीने ध्यान किया, और आज भी वो बच्चे बहुत आध्यात्मिक विचारों के निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके भी बहुत अच्छे निकलेंगे, लेकिन बहुत फ़र्क है ध्यान को ध्यान करने से बच्चे को गोद में लेके करना, ये सब को करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अभी हम जब जब से पिरामिड सोसाइटी से जुड़े हैं, पत्री जी से जुड़े हैं, तो हमने देखा कि पत्री जी ने साउथ में 40 साल अथक प्रयास किया है, और आज हम जो साउथ में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम देखते हैं, जैसे ध्यान महाचक्रा, ये नौवां ध्यान महाचक्रा है, बहुत बड़े बड़े हम जो साउथ में कार्यक्रम देखते हैं, तो हम जैसे नॉर्थ में भी ऐसा करना चाहते हैं, तो आपका क्या अनुभव है कि नॉर्थ के लोगों का इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? नॉर्थ के लोगों को भी साउथ से आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि नॉर्थ के लोग हैं जो मानसिक विचार के अलग तरह के हैं, क्योंकि ये ध्यान को ज़्यादा मान्यता नहीं देते, ज़्यादा पूजा पाठ की ओर जाते हैं। लेकिन जब तक उनको अंदर तक नहीं समझेगा तो तब तक नहीं करेंगे, इसलिए हमको नॉर्थ में बहुत ज़्यादा प्रचार करना चाहिए और नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो नॉर्थ में ध्यान प्रचार, जैसे आपका नागपुर ही ले, नागपुर में ध्यान प्रचार करने के लिए आपने सेंटर खोला है, और आप बहुत सारे क्लासेस मास्टर्स को अलग अलग जगह से बुलाते हैं ताकि लोग इससे जुड़े रहें, तो आप नागपुर को और ज़्यादा अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करना चाहती हैं? और
मैं प्रयास तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर पता नहीं मुझे ऐसे, मैं जब आगे बढ़ने लगती हूँ तो मेरे को ना कुछ ऐसा महसूस होता, या शरीर में कुछ ऐसी तकलीफ हो जाती है कि मैं आगे बढ़ नहीं पाती। और भंडारा में पिरामिड है तो उसमें मैं जाके ध्यान करवाती हूँ, वो भी सबको सिखाती हूँ। और मैंने एक अपने घर में भी पिरामिड सेंटर बनाया हुआ छोटा सा, जो काफ़ी लोग बच्चे आते हैं, वो मतलब इतने डिप्रेशन के आते हैं, जो बीमारियों से जूझते आते हैं, या पढ़ाई के बारे में परेशानी है वो आते हैं। अगर वो रात को मेरे को 10-11 बजे भी बोलते हैं कि आंटी हमको ध्यान करना, तो मैं उनको लेके सिखाती हूँ। हाँ और सेंटर में भी नागपुर में बनाया हुआ है जो, उसमें मैं रात को 7 बजे जाती हूँ तो 10 बजे आती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटा जो बच्चों को, जो बड़ों को, जो नए लोग हैं उनको कैसे सिखाना है, ये हाँ काम पूरा संभालती हूँ और मैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप इतने सालों से ध्यान कर रही हैं, आपका पूरा परिवार ध्यान कर रहा है और आपने घर पे भी सेंटर खोला हुआ है, लेकिन आज का जो समय है, आज लोग हर चीज़ बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। कोई भी चीज़ है, हमें बड़ा फास्ट रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है लोगों में बिल्कुल भी। अगर हम खाने की भी बात करें तो लोगों को चाहते हैं कि अभी जो बोला है अभी सामने हाजिर हो जाना चाहिए, और आजकल वैसी फैसिलिटीज़ भी हैं कि आप ऑर्डर करो जो भी होगा आ जाएगा, और लोग अपने हाथों से खाना नहीं बनाना चाहते, बाहर से खाना मंगा के खाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई महिला ध्यान करती है, ध्यानी है, और वो खुद घर का खाना बना के अगर घर वालों को खिलाती है, तो उससे घर की वाइब्रेशन चेंज होती है, या उनके घर वालों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है उसका? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। हम जो पहले का टाइम था, वो लोग क्या मतलब अपने हाथ से बहुत पसंद करते थे। जो आज के बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी वाले हैं, वो थोड़ा बाहर का ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ लेकिन उनका जो ये जंक फूड है वो बॉडी में नुकसान करता है, लेकिन अभी बच्चों को नहीं समझता। हाँ लेकिन मेरा मान्यता है कि जो अपने हाथ से बच्चों को खाना बना के खिलाए, मेरा एक ये है कि मैं जब ध्यान खाना बनाती हूँ तो किचन में जाके यही भगवान को प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मैं आपके लिए प्रसाद बना रही हूँ, जो मेरा परिवार इसको प्रसाद को पाए, वो अब मतलब सर्वशक्तिमान भी बने, उसमें अद्भुत शक्तियाँ भी आन, और खुशी से वो इसको हजम करें। तो ऐसा होता है कि जिस दिन मैं ऐसा बोल के बनाती हूँ, अक्सर तो बनाती हूँ, एक आध दिन ऐसे भूल जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल पहचान जाते हैं कि आज खाने में कुछ गड़बड़ा है, आज तू मन से नहीं बनाई। तो नहीं तो अक्सर मैं खाना एक प्रसाद के रूप में बनाती हूँ, कि हर नारी को खाना अपने हाथ से बना के खिलाना चाहिए, और वो अपने लिए बहुत ही फायदा करता है, शरीर में, मन में, यानी अपने को बहुत ज़्यादा असर भी अच्छा करता है वो। आप अपना एक ध्यान अनुभव हमें बताएं, जो ध्यान में आपको अनुभव हुआ है, किस तरह आपने अपनी बॉडी को हील किया है। जैसे एक बार आपने बताया था हमें कि आपको हार्ट प्रॉब्लम थी और आपने ध्यान में उसको हील किया, तो आपने कैसे हाँ, हील किया उसको? मेरे को ना ये बॉडी में काफ़ी तकलीफें रहीं, यानी एक एक करके मेरी निकलती गई। जब ये मेरे को हार्ट की तकलीफ आई तो मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्यों तकलीफ़ हो रही है। दिन के चार, मेरे को 1 साल से हार्ट में तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं अपने ऐसे घर में बोलती थी तो समझते थे कि तू ऐसे ही मजाक कर रही है, तेरे को कुछ नहीं हो सकता, वो भी सच है। तो मुझे लगता था कि मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को बार बार दर्द होता है, मैं 1 साल से मेरे को हल्का हल्का दर्द होता है, मैं जब अपनी हीलिंग करती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। और एक बार क्या हुआ कि दिन के 4 बजे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई कि मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी और खाना भी नहीं खा पा रही थी, और परेशान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर भी मैंने सोचा कि जो ऊपर वाला करेगा ठीक है, कोई बात नहीं। तो रात के जैसे 12 बजे मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो मैं अकेली रूम में थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो सोची अब नींद भी नहीं आ रही, तो परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब किसी को जगाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आधी रात को कहाँ भागेंगे। और दूसरी बात है कि मैं डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं चाहती, जाओ तो उन्होंने पहले आईसीयू में डालना है, प्रॉब्लम मेरे को बढ़ चुकी है। तो मैं ये सोच के ना, एक पिरामिड मेरे बेडरूम में लगा हुआ था, मैं उसके नीचे बैठ गई, रात के 12 बजे थे,
तो मैं बैठ गई, पहले तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, फिर मैंने अपने आप को रेकी दी। जब मैंने हार्ट चक्र पर पहुंची तो मेरा ध्यान बहुत अच्छे से लग गया। हाँ वो जब ध्यान लगा ना, तो ध्यान में क्या हुआ कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया है। अटैक आने के बाद मेरी डेथ हो चुकी है और मेरी बॉडी नीचे ज़मीन पे रखी हुई है। एक चादर सफ़ेद ऊपर है, एक नीचे है, और मेरी जो आत्मा है उसको गुलांटी मार के देख रही है। वो देख रही है कि ये तो मेरी ही डेथ हो गई है। हाँ तो मैं, मेरी बॉडी और आत्मा आपस में बातें कर रही है अच्छा कि ये इसको तो अटैक आ गया है, मेरे को अटैक आ गया है। तो फिर मेरी आत्मा ने एक लंबा सा हाथ निकाला और कॉटन का इतना सारा गुच्छा लिया और मेरे हार्ट को साफ कर दिया। जब वो साफ कर दिया तो मैं एकदम झटका सा लगा मेरे को कि मैं कुछ देख रही थी, ये मेरी, मुझे क्या, मैंने आंखें बंद कर ली, वापस ध्यान में आंखें खोली नहीं, 2 घंटा और ध्यान किया। तो मुझे इतना ज़्यादा मेरी बॉडी हिल रही थी परेशानी से कि मैं अपने आप को संभाल नहीं रही थी, संभाल नहीं सकी कि मैं कैसे करूं, आंखें खोलूंगी तो मेरे को कुछ हो जाएगा। हाँ जाने कि मैं इतना घबरा गई थी, हाँ जब अपनी डेथ बॉडी देखी सामने तो मैं बहुत घबरा गई। तो फिर भगवान से यही प्रार्थना करी कि मेरा कुछ अच्छा हुआ होगा। हाँ पहले मैंने बैठने से पहले ये प्रार्थना करी कि मेरे को ना तो डॉक्टर पे जाना, ना आईसीयू पे जाना है, ना मैं किसी को चेकअप कराना है। अगर तेरी इच्छा है तो मेरे को ऐसे ठीक कर देना, नहीं तो फिर मेरे को ले जाना। मैंने पूरा ऊपर यूनिवर्स पे छोड़ दिया। तो जब मैं उठी तो जमीन पे पैर रखा तो मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं थी, पूरा सब निकल गया। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि ये मेरे साथ कुछ आश्चर्य सा हुआ है। मैं किसी को बता भी नहीं सक रही थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है। कोई सच माने या नहीं माने, पर मुझे बहुत अजीब सा उस टाइम लगा। पर 2 दिन मैं किसी से बात नहीं करी, मैं बहुत घबरा गई थी अपनी डेथ देख के। और उसके बाद मुझे लगा कि ये जीवन हमारा बहुत छोटा है, यानी अब हमने साक्षात अपनी डेथ देख ली है तो डेथ होने को टाइम थोड़ी लगता है। इसलिए जो मेरा जीवन बचा है मैं पूरा ध्यान प्रचार में, ध्यान के लिए बचाऊंगी। अच्छा बहुत मुझे अच्छा। उसके बाद ध्यान में इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया कि मैं घर घर जाके लोगों को बोलती भी हूँ कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जैसा कि ध्यान महाचक्र में आप पहले भी आते थे, अभी भी आए हैं, तो आप अखंड ध्यान में जरूर बैठते थे। थोड़ा सा हमें अखंड ध्यान के बारे में भी बताएं। अखंड ध्यान के बारे में मुझे, पहले तो ये बताइए अखंड ध्यान है क्या, क्योंकि बहुत सारे दर्शक नहीं जानते अखंड ध्यान क्या अखंड है। ध्यान में क्या है कि एक हमारा जो मन है, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारा मन ही है, जो हमारे से इतनी विकृतियां कराता है, कभी वो कहीं दौड़ता है, कभी कहीं दौड़ता है, अपने पास में रहता ही नहीं है। जब हम बैठते हैं किसी की ईर्ष्या द्वेष, ये चीज़ें, अहंकार बहुत सारे आते हैं, तो वो हम उसको पकड़ ही नहीं पाते। 1 घंटे का ध्यान करेंगे तो उसमें अपने को कुछ भी नहीं समझ में आता क्योंकि विचार विचार चलते हैं। अगर 2 घंटे का भी करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कुछ अच्छा लग रहा है। अगर 3-4 घंटे करेंगे तो उसमें लगता है हाँ कुछ ध्यान है। तो इसलिए अखंड ध्यान में बैठी थी कि मुझे पता लगे कि चीज़ क्या है, क्योंकि उस टाइम मेरा मन कंट्रोल में नहीं हो रहा था कि मेरे को नहीं बैठना। हाँ तो मैं सोची अगर लाइफ है तो इसमें कुछ करके देखना चाहिए। हाँ मेरे को अपने आप को बहुत समझाई मैंने, तो मैं बैठ गई। और फिर जब बैठी तो मेरा उठने का ही मन नहीं हो रहा था। अच्छा, कितने दिन बैठे आप? मैं 5 दिन बैठी वाह। थी। तो मुझे ऐसे लगा कि अब अखंड ध्यान जरूर करना चाहिए। और एक और बात है, जैसे कि हम अपने शरीर का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, बॉडी चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं एक भी ध्यान चक्कर
ध्यान मा चक्र में आके मेरी बॉडी का पूरा अल्ट्रासाउंड हो स्कैनिंग जाता हो है, गई स्कैनिंग आपकी हो जाती बॉडी। है, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है। हाँ जब मैं आती हूँ तो मेरे पूरे सब विचार मन शांत हो जाता है हाँ और एक अलग सा ही मुझे फील होता है, अच्छा फील होता है। आप जैसे कि हम सब सुनते आए हैं नारी में बहुत शक्ति है, नारी शक्ति स्वरूपा है, लेकिन जब हम अपने घर के माहौल में देखते हैं जैसे हम जीवन जीते हैं, तब हमें लगता नहीं है कि हमारे अंदर कोई शक्ति है, हमें लगता है हम कुछ भी नहीं है। हाँ तो अभी यहाँ जब आप ध्यान करते हैं और आपको ये बार बार सुनने के लिए मिलता है कि आपके अंदर शक्तियाँ हैं, अपनी शक्तियों को जगाओ, तो आप इसमें कहाँ तक आपको लगता है कि आप अपने पहले जो जीवन था, जैसे पहले हम साधारण जीवन जीते थे, अभी ध्यान में आपको लगता है कि कुछ हमारे अंदर बदलाव आया है उस लेवल पे भी? पहले क्या हमें कुछ भी परेशानी होती थी, हमारा सामना करने का कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं आता था। हम डर जाते थे भाई, हमने किसी किसी ने कुछ बोला है तो हम एकदम अजीब सा अपना बॉडी में टेंशन ले लेना कि हमने अपनी गलती महसूस नहीं करना, हमारी गलती तो है ही नहीं है। ये हाँ चीज़ें हमारे में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमें समझ ही नहीं थी कि सामने वाला ही गलत है, हाँ हम तो बिल्कुल सही हम हैं। सही हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी में विकार, बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो वो जो बढ़ जाती है हम समझते नहीं हैं। जब ध्यान करते हैं तो उसमें हमारा स्टेमिना इतना बढ़ जाता है कि हम सामने किसी से बात करने के लिए एकदम निडर होके करते हैं, निडर होके बात करते हैं, क्योंकि हमको इतना अच्छा लगता है कि पहले हम क्या थे, अब कितना परिवर्तन आ गया है। ध्यान में इतनी शक्ति है और सही में हमारे शरीर के अंदर बहुत शक्तियां हैं, अगर जो असली ध्यान करेगा वो उसका अनुभव ले सकता है। मुझे लाइफ में बहुत सारे अनुभव हुए हैं क्योंकि मैं कभी ध्यान करती थी तो ऐसे लगता था कि मेरे पीछे गौतम बुद्ध जी मेरे पास में लेटे हुए हैं तो मैं ध्यान कर रही हूँ। हाँ 3-4 बार मेरे को ऐसा भी अनुभव हुआ, बहुत यूनिवर्स के मास्टर मेरे को दिखाई दिए हाँ और बहुत सारे मेरे को अनुभव हुए अच्छे। एक हम आपका नागपुर, जब आपका राज्योत्सव हुआ था नागपुर में, तो उस वो अनुभव हम आपका सुनना चाहते हैं। पहली बार का ये प्रोग्राम होने वाला था तो उस टाइम ऐसा था कि जो जो लोग करने वाले थे वो सबके यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई कि उस सबको आगे बढ़ाने के लिए और करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हाँ सभी इतनी परेशानियाँ थी कि किसी को हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, करें क्या, करने वाला भी कोई नहीं है, करवाने वाला भी कोई नहीं है। और हमारे प्रोग्राम को सिर्फ 8 दिन बचे थे, सिर्फ 8 दिन बचे थे, तो मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं सोच रही थी 8 दिन बचे हैं हमारे प्रोग्राम को, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और जो 2 लोग करने वाले हैं उनको कैंसर की प्रॉब्लम आ गई है, एक जन का कुछ घर की परिस्थिति में हो गया है। तो मैं ऐसे करते करते सोचते सोचते ध्यान में बैठ गई। जब मैं ध्यान में बैठी तो बहुत गहरे ध्यान में पहुंच गई, एक ऊपर आकाश मार्ग से बहुत सारे मास्टर आए हैं और उनके हाथ में पूरे म्यूजिक का सामान है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो वो ना आके मेरे को जोर से धक्का दिया। मैं डर गई, मैं बोली ये कौन से लोग आ गए हैं, मैं हाँ एकदम डर के वापस आंखें बंद कर ली, मैं बोली पता नहीं आज मेरे को क्या दिख रहा है, तो वापस आंखें बंद करी, वो लोगों ने आके फिर मेरे को धक्का दिया। हाँ मुझे समझा नहीं उस टाइम कि ये मेरी मदद के लिए आए हैं या हाँ मुझे कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, तो मैं परेशान हो गई। मैं बोली पता नहीं क्या मेरे को कुछ तो भी ऐसा दिखा है पर अच्छा भी लग रहा है। हाँ जब हमारा ये प्रोग्राम हो चुका था तो मैं 20-25 मास्टर थे जो मैंने अपनी आंखों से देखे, उनको उन्होंने पूरी काली ड्रेसेस पहनी हुई थी। जब ये उस सब हो गया तो पूरे मास्टर हमारे घर में आए तो मैं पानी के गिलास लेके सामने गई, जो लोग मैंने देखे थे वही मेरे सामने बैठे थे, मेरे पानी के गिलास वहीं रख के एकदम मेरे को झटका लगा, रही मैंने तो यही देखा था, ये यूनिवर्स इनके रूप में आके हमारा पूरा काम किए हैं। पर उस टाइम बहुत सक्सेसफुल हुआ, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत कविता जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का और अपने जीवन के बहुमूल्य अनुभव सब दर्शकों के साथ बांटने का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी का హలో ఫ్రెండ్స్, పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి.